आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज आ रही मेरी आपको? ओके, हाँ सर। लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ा था हमने? 23rd। 23rd क्या रूल था? मैंने पेयर ऑफ वर्ड्स परचेज ब्रेड बटर राइस एंड करी फ्लू एंड स्टडी। ओके ओके, तो जो नए लोग हैं, कितने लोग नए हैं क्लास में? इनका फर्स्ट लेक्चर है। नाम बताओ। आसिफ। विशाल चौहान। विशाल चौहान। ओके, और आसिफ शेख। यस। और आरती सर। और अजय सर। अजय। अजय, पूरा नाम क्या आपका? अजय दोड़े। अजय दोड़े। अच्छा, यू आर फ्रॉम थाने और व्हाट? डोंबिवली। डोंबिवली। यस। तो अजय, आरती, आसिफ एंड और कौन था? अजय, आरती, आसिफ एंड विशाल। यस। दिस मे बी अ न्यू लेक्चर, आज पहला चैप्टर है और ऑलरेडी आप जो है द सिक्स पार्ट पे आ रहे हो पढ़ने के लिए। अभी मैं समझ में नहीं आएगा। अभी तीन चार रूल्स हैं जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, इसके बाद मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा। एंड क्वेश्चन पेपर जो है, जो पीछे रूल्स पड़े हुए हैं वो सारे कवर हो जाते हैं उसके अंदर। इफ यू डू द क्वेश्चन, आपके सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे, टेंशन मत लो। आपको एक एक करके समझाता जाऊंगा, ठीक है? समझ में आएगा। अभी मैं समझो बीच का मुझे समझ में नहीं आएगा। इसको सब्जेक्ट हाँ बोलो सर। एक्चुअली मुझे पूछना था, जो फ्राइडे का लेक्चर था ना, कल का लेक्चर्स, जैसे सॉल्विंग लेक्चर हो गया सर, वो ना यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुआ सर? हाँ मैम, यूट्यूब पे क्या होता है, हर्षिता मैम है जो आपके यहाँ काम करती है, वो अपलोड करती है। उनके बीच में दो दिन तीन दिन के लिए तबियत खराब थी, तो आ जाएंगे वो 9:30 बजे के आसपास, तो 10-11 बजे तक सब अपलोड हो जाएंगे सारे। ओके, जो जो बाकी रहेंगे सर्वे हो जाएंगे। थैंक यू। एंड वन मोर अनाउंसमेंट इज देयर, आप लोग अपने अपने ब्रांचेज में बात कर लीजिए। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है फोकस की, अभी जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली थी ना, तो वो आप बात कर लीजिए। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है हमारी, उस बेस पे जो भी फिट होता है, तो वो आप लोग टेस्ट सीरीज ले सकते हैं पढ़ने के लिए। दैट टेस्ट सीरीज इंक्लूड्स आपका बैंक, रेलवे, SSC, इन सब के सारे, इंश्योरेंस वगैरह सारे एग्जाम चलते हैं, इवन आपके टॉपिक वाइज भी हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये टेस्ट सीरीज जो है, जैसे अगर आप आज शुरू कर रहे हो तो आज से 1 साल तक चलेगा। आप अगर 2 महीने बाद ID पासवर्ड लोगे तो 2 महीने बाद से 1 साल तक चलेगा। बस जब भी आप स्टार्ट करोगे, स्टार्ट डेट से 1 ईयर तक वैलिड होता ही, ठीक है? इसमें बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं, टॉपिक वाइज भी सारे टेस्ट सीरीज हैं, क्लियर है? रियल टाइम पे नंबर मार्क्स आ जाएंगे आपके, आपने किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगाया वो भी आ जाएगा, ठीक है? कंप्लीट एनालिसिस पेपर है हमारा। और इसके लिए जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको सबको बता देता हूँ। आपको इस पे जाना है, फोकस GOVjob.com, ये हमारी वेबसाइट है, focusgovernmentjob.com, focusgovjob.com। यहाँ पे आप जैसे वहाँ पे जैसा होता है ना, होम, अबाउट अस, और इसी टाइप से यहाँ पे लिखा रहेगा टेस्ट सीरीज। समझा सबको? यस सर। आपको टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना है। टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी ओनली फॉर 1 ईयर ही है? हाँ, ये 1 ईयर रहता है मैम। यही चीज है जो रिन्यूअल होता है, जो आपको खरीदना पड़ता है हर साल, और हर साल खरीदने का बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं आता है, सिर्फ 500 रुपए में लगता है आपको पूरे साल भर के लिए। जो हमारा टेस्ट सीरीज है, हम अपने स्टूडेंट्स को अगर रिपीट करना चाहते हैं, बाकी हमारे पढ़ाने वाने का चार्ज नहीं लेते हैं, आप लाइब्रेरी फैसिलिटी का चार्ज नहीं लेते हैं, बट टेस्ट सीरीज का सिर्फ 500 आपको देना रहता है जब तक आपको सिलेक्शन ना हो जाए, क्योंकि टेस्ट सीरीज अपडेट होती रहती है। तो टेस्ट सीरीज है, इसके अलावा कोई चार्ज नहीं, कोई हिडन चार्ज नहीं है हमारा। 1 ईयर के लिए तो फ्री है, जो भी स्टूडेंट 1 ईयर में निकल जाता है बैंक वगैरह के एग्जाम, टेंशन मत लो आप। इसमें SSC, बैंक, रेलवे सबके एग्जाम्स हैं, इंश्योरेंस बहुत सारे एग्जाम्स। तो टेस्ट सीरीज आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आएगा यूजर ID और पासवर्ड, ठीक है?
यूजर आईडी पासवर्ड जो आपको मैडम देंगे यूजर आईडी वो फिल कर दो, जो पासवर्ड देंगे वो फिल कर दो, उसके बेस पे आपका टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगा। और हम जो दे रहे हैं कॉम्बो दे रहे हैं, चाहे वो बैंक का स्टूडेंट हो, चाहे रेलवे का, चाहे एसएससी का, हम सबको आपको टेस्ट सीरीज सारे दे रहे हैं। कई बार क्या होता है हम लोग ज्वाइन करते हैं बैंक के लिए, बट हम लोग को लगता नहीं एसएससी का एग्जाम आया वो भी देना मुझे। तो देखो आपने बैंक में ज्वाइन किया एसएससी तो नहीं पढ़ाएंगे आपको, बट आपको टेस्ट सीरीज पूरा दे रहे हैं हम आपको, ताकि आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हो अगर खुद देना चाहते हो। एनी डाउट? समझ में आया? भाई यूपीएससी के लिए भी है ना ये? क्या बोल रहा सर? कौन सा क्या बोल रहे हो सर? यूपीएससी के लिए भी है ना ये? हाँ यूपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज है, लेकिन यूपीएससी टेस्ट सीरीज इतनी जल्दी चालू नहीं होता मैडम। जो ये बैंक का टेस्ट सीरीज क्या होता है, बहुत सारे लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया ना उनके लिए, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ टॉपिक वाइज जाना चाहते हैं दे सकते हैं। बट यूपीएससी का क्या होता है नॉर्मली ओवरऑल टेस्ट सीरीज होता है या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज होता है, जैसे पॉलिटी है तो चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट नहीं हो सकता वहाँ, ओवरऑल पॉलिटी का टेस्ट होता है, ओवरऑल इकोनॉमिक्स का टेस्ट होता है। एक बार एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद टेस्ट सीरीज शुरू होती है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो सर। 500 का क्या बोला आपने? नहीं 500 का अभी कुछ नहीं है मैम, अभी फ्री है, अभी 500 पे ध्यान मत दो, एक साल में एग्जाम निकल जाएगा, 500 नहीं देना रहेगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? आपको क्या बैंक का एग्जाम निकालने के लिए दो साल चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं ना, बैंक का एग्जाम सही बता रहा हूँ आपको, बैंक का एग्जाम जो है ना अगर हमारे यहाँ कोई पढ़ रहा है तो 5 मंथ्स में सिलेबस कम्प्लीट हो जाता है हमारा पूरा अच्छे से, जहाँ पे कोई भी चीज नहीं छूटता जो एग्जाम में आता है, 5 मंथ्स में पूरा कम्प्लीट सिलेबस हो जाता है, रिपीट हो जाता है कई चीजें। इसके बाद आपको 5 मंथ्स के बाद 2 मंथ्स टेस्ट सीरीज दे दो। और टेस्ट सीरीज कैसे, मतलब एक एक दिन में 5-5 टेस्ट दे दो, बस यही करना आपको, पढ़ाई नहीं करना कुछ, सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, 5-5 टेस्ट सीरीज एक एक दिन में दे दो। सर टेस्ट सीरीज में कितना सारा टेस्ट है? सर बहुत है, थक जाओ करते करते, 350-500 टेस्ट सीरीज है। ठीक है, टोटल आपको 1500 के आसपास पड़ेगा टेस्ट, अगर मतलब देखा जाए तो 1500 टेस्ट देते रहते तो उम्र निकल जाएगी, क्योंकि प्री के भी है मेंस के भी है। प्री का पेपर आपको पता ना 1 घंटे का होता है, 1 आवर का होता है, मेंस के पेपर 2 घंटे का होता है करीब, तो आप दोनों कितना टेस्ट सीरीज दोगे, टेस्ट सीरीज खत्म नहीं होगी। एंड सर ये एमपीएससी के लिए भी है? एमपीएससी के लिए भी है, लेकिन एमपीएससी के लिए बेटा उसका अलग होता है पेपर, उसका टेस्ट सीरीज अलग होता है हमारा, उसका भी वही होता है जैसे यूपीएससी का होता है ना वैसा होता है, मतलब एक सब्जेक्ट कम्प्लीट होता है उसके बाद सब्जेक्ट वाइज दिया जाता है, कि उसमें चैप्टर वाइज नहीं बना सकते ना, उसमें कोई मैच जैसा नहीं है कि रेशियो प्रोपोर्शन का टेस्ट दो तो उसमें, क्योंकि इसमें से इतना मार्क्स का आएगा उतना मार्क्स का आएगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता वहाँ पर, वहाँ सब्जेक्ट होता है, जैसे पॉलिटी का टेस्ट दो, इकोनॉमिक्स का टेस्ट दो, ठीक है समझ में आया आपको, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टेस्ट दो, तो ओवरऑल पेपर कम्प्लीट हो जाता है। जैसे हमारा जो लेक्चर होता है ना, इफ आई से पॉलिटी, तो पॉलिटी का हमारा जो है पेपर नॉर्मली 25 डेज में हमारा सिलेबस कम्प्लीट होता है, 25 लेक्चर्स में। अब 25 लेक्चर में जब सिलेबस खत्म हो गया ना उसके बाद पॉलिटी का टेस्ट हो सकता है, समझे आपको? यस सर, थैंक यू। कोई डाउट इसमें, किसी को समझ में आ गया कहाँ जाना है, किधर जाना है, किधर जाना है? फोकस govjob.com, गवर्नमेंट पूरी स्पेलिंग नहीं है, जीओवी govjob.com, इस पे जाना है। होम अबाउट अस टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज पे जाना है, टेस्ट सीरीज पे जाकर के आपको क्लिक करना है, वहां पे जो मैम ने आपको यूजर आईडी पासवर्ड दिया होगा, जो मैडम से मिला होगा आपको, यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालना है वो मिल जाएगा। अच्छा ये टेस्ट सीरीज लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू शेयर योर रिसिप्ट, जो आपको क्लासेस से मिला होगा रिसिप्ट हमारे किसी ब्रांच से, मेड बी एनी ऑफ द ब्रांच लाइक डोंबली थाने, घाटोबा, कोलाबा, अंधेरी, बोरीवली, मीरा रोड, जहां से भी आपको रिसिप्ट मिला हुआ है वहां का रिसिप्ट आपको शेयर करना है। वंस यू शेयर द रिसिप्ट, आपका जो डिटेल्स है वहां पे फिल कर देना है, उसके बाद फिर वहां पे आपको टेस्ट सीरीज अलॉट हो जाएगा, एंड यू विल गेट दिस यूजर आईडी पासवर्ड का पिक मिल जाएगा आपको। क्लियर है? कोई डाउट? तो जितनी जल्दी हो जाए आप ले लो, क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं SBI के भी और इसके RRB के भी, तो सारे टाइप के टेस्ट हैं उसके अंदर। सर जो अभी आपने बोला एग्जाम आने वाले हैं इनका फॉर्म भरा चुका है ना? हाँ RRB का तो बाकी है ना, 26 तारीख का है आज, आज कितनी तारीख है, आज लास्ट डेट है ना RRB का, तो अच्छा तो अभी मैंने तो नहीं भरा सर कोई फॉर्म। अब भर दो RRB, दिस इज कॉल्ड रीजनल रूरल बैंक, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं है मैम। अच्छा क्यों? RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भी होता है, ये RRB है रीजनल रूरल बैंक,
ये होता है ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक मतलब यहाँ पे आता है कोंकण विदर्भ ग्रामीण बैंक, कोंकण विदर्भ ग्रामीण बैंक, एक ये बैंक है आपको यहाँ पे ग्रामीण बैंक, यहाँ पे एक ये है और एक है महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक। यहाँ पे दो ही है, बिहार में 15 ग्रामीण बैंक है, महाराष्ट्र में सब ये दो ही ग्रामीण बैंक है, लेकिन आपकी जॉब जो मिलेगी गांव में मिलेगी, मतलब थाने से नीचे ही मिलेगा, ध्यान रखना आप, नासिक गढ़चिरौली है ना उधर साइड ही मिलेगा आपको, गांव में मिल, लातूर वगैरह उधर, सांगली है ना, सांगली सतारा, फिर मतलब थाने में यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा ज्यादा ज्यादा मिलेगा तो आपको मिलेगा बदलापुर टिटवाला उधर, मतलब आपको मुंबई साइड नहीं मिलेगा, मुलुंड घाटकोपर उधर नहीं मिलेगा जॉब, ध्यान रखना आप, मतलब फॉर्म भरने से पहले आपको बता दो, नहीं तो बोलो सर मेरे को तो भेज दिया उधर, मैं जाना ही नहीं उधर। कई लोग होते हैं जैसे होता है ना होम सिक होते हैं, कई लोग मुंबई सिक हैं, मुंबई से बाहर नहीं जाएंगे तो उन लोग ना दें एग्जाम। हाँ सर इतना कोंकण वगैरह तो मुझे भी नहीं जाना है, मैं तो वही बोल रहा हूँ आपको, लेकिन आप एक बार ट्रायल भी दे सकते हो, जाना नहीं है लेकिन आप देखो तो आप पहले निकाल के दिखाओ, क्योंकि एक बार आपको कोई एक एग्जाम निकाला ना आपने, कोई भी एक एग्जाम निकाला ना आपने, समझ लो यू आर एट द लेवल की आप दूसरा एग्जाम आराम से निकाल लो, प्रैक्टिस फॉर आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क को फायदा मिल जाएगा, जो अगस्त में आने वाला है ना आपका आईबीपीएस या आरबीआई असिस्टेंट आएगा, उसमें काफी हेल्प मिलेगा आपको। सर अभी एग्जाम कभी होगी, फॉर्म अभी भरेंगे तो? फॉर्म भरोगे उसके एक डेढ़ महीने के अंदर होता है एग्जाम, नॉर्मली एक से डेढ़ महीने के अंदर एग्जाम की लिंक, एग्जाम की लिंक कैसे मिलेगी वाले? ये आपको मेल आईडी मिलेगा, जो आप मेल आईडी भरोगे उसका आईडी पासवर्ड याद रखना, फॉर्म भरना है ना मुझे आज, तो इसका लिंक कैसे मिलेगा? आप जाओ ना आईबीपीएस पे, आईबीपीएस पे मिल जाएगा आपको, आईबीपीएस आरआरबी डाल दो, आईबीपीएस आरआरबी अपने आप आ जाएगा आपको फॉर्म सारे, और फिर भी नहीं मिले तो ज्योति मैम है, ज्योति मैम का नंबर ले लो तो आपको बता देंगे। आप कौन से ब्रांच से हो? थाने ब्रांच से सर। तो ज्योति मैम कॉन्टेक्ट में होंगी ना आपके? हाँ सर। सर तो मैंने एक बार बात किया था मैम से, तो मैम बोल रहे थे ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं है ना अभी टीवाई का, हाँ उसके बिना नहीं दे सकते तो आप ये एग्जाम, कई एग्जाम ऐसे होते हैं जो दे सकते हैं, जैसे आईबीपीएस एग्जाम जो होता है ना अपीयरिंग कैंडिडेट भी दे सकते हैं, आपका रिजल्ट नहीं आया है आपका रिजल्ट चाहिए रहेगा, जब आपका डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी तब रिजल्ट चाहिए रहता है। अच्छा तो ये फॉर्म भरने के लिए साथ में रिजल्ट चाहिए ना? हाँ इसमें रिजल्ट चाहिए होगा, देखना पड़ेगा, नोटिफिकेशन आता ना उसमें दिया रहता है। मैम बोल रहे थे कि रिजल्ट नहीं है तो आप ये स्किप कर दो फॉर्म, ठीक है अगर बोला है मैम ने तो फिर देख के बताया होगा ना, उसमें नहीं होगा एलिजिबिलिटी। अच्छा 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 चलो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स, कौन सा नंबर था 24? यस सर। यस सर। चलो 24 है, व्हेन टू नाउंस आर जॉइंड बाय, when two nouns are joined by and, यदि अगर दो नाउन है तो सब्जेक्ट वर्ब आएगा, सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ने का काम, मतलब सब्जेक्ट के कौन सब्जेक्ट है कौन सा वर्ब आएगा, मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, मतलब ही के साथ क्या आता है इज आता है, और दे के साथ इज लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते, क्या आएगा? आर आएगा। ही के साथ आता है ही कम्स, और दे के साथ क्या आता है? दे कम। तो ही के साथ सिंगुलर वर्ब होता है और प्लूरल ही सिंगुलर है, प्लूरल के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये सब्जेक्ट है ना, के साथ क्या आता है? प्लूरल वर्ब आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और यहाँ भी ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल मतलब बहुत सारे लोग हैं इसमें, इसमें सिंगल है, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट में बताया था आपको, वर्ब में एस ओ एस लग जाता है सिंगुलर हो जाता है, जबकि वही अगर मतलब नाउन में एस ओ एस लग जाता है पेन का पेंस हो जाता है, तो ये प्लूरल है ये सिंगुलर है, जबकि वर्ब में उल्टा होता है, ये सिंगुलर है और ये कम जो होता है ये प्लूरल होता है, तो प्लूरल वर्ब होता है ये सिंगुलर वर्ब होता है, समझा आपको? मतलब जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है ठीक है वो सिंगुलर होता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो प्लूरल होता है, ये समझा कि नहीं समझा आपको? इतना सा बेसिक पता होना चाहिए जो नए लोग हैं उनके लिए, समझ में आया नए लोग को क्या बताया मैंने ये? Yes, sir. Okay. तो ये बेसिक फॉर्मूला इस चैप्टर का, सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये सब्जेक्ट वर्ब के बीच में एग्रीमेंट है, उनके बीच में समथिंग कंडीशन है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि टू नाउंस आर जॉइंट,
टू नाउन्स मतलब क्या, टू सिंगुलर नाउन्स यू कैन से, टू सिंगुलर नाउन्स लिखो, टू सिंगुलर नाउन्स, इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड व्हिच इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, व्हिच इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यूज एज अ सब्जेक्ट ऑफ द sentence, then it takes a plural verb, then it takes plural verb. क्या लगता है इसमें plural verb लगता है? जैसे मुझे बताओ example क्या आएगा, fire and water, fire and water. अब मुझे बताओ fire and water do not agree या डज नॉट एग्री, डज सिंगुलर होता है, डू प्लूरल होता है, पता है ना? जैसे आपको पता है ना, ही डजंट, ही डजंट गो देयर, दे डोंट गो देयर, यही होगा ना? तो ही के साथ क्या लगता है, डज, मतलब सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब, अब प्लूरल सब्जेक्ट है क्या लगता है, प्लूरल वर्ब. समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? तो फायर एंड वाटर अगर मैं कह रहा हूँ तो फायर एंड वाटर डज नॉट एग्री, मतलब एक दूसरे का साथ नहीं दे सकते, मतलब फायर एंड वाटर दोनों क्या उल्टे हैं. डज नॉट एग्री का मतलब क्या हुआ, दोनों अपोजिट हैं, आग और पानी. तो फायर एंड वाटर डज नॉट एग्री या डू नॉट एग्री क्या आएगा? डू नॉट एग्री आएगा. क्यों? क्योंकि दो नाउन है, देखो फायर एंड वाटर दोनों नाउन है, दोनों सिंगुलर है, कोई ऐसा नहीं कि प्लूरल है या प्लूरल है, दोनों सिंगुलर है नाउन, ठीक है, और दोनों किससे जोड़ा गया है, एंड से जोड़ा गया है. जब दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाएगा तो वर्ब हमेशा क्या आएगा, प्लूरल आएगा, ये नहीं आएगा, डज नहीं आएगा. ऐसा लिख लो, डज भी लिखो बट ये लिखो क्रॉस, ये लिखो सही, ये ऐसे लिखा जैसे लिखा हुआ है मैंने, ताकि आपको ध्यान जाएगा. ठीक है, yes, sir. मुझे अगला बताओ, गोल्ड एंड सिल्वर आर या इज प्रीसियस मेटल. आर आएगा, आर आएगा, इज नहीं आएगा. गोल्ड एंड सिल्वर क्या है, दो सिंगुलर नाउन है और दोनों कैसे यूज किया गया है, एंड से जुड़े गए हैं और दोनों क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट है. क्लियर है? यस सर. ये लिख लिया आपने, रफ करो. नो सर. डन डन. डन सर. डन. Yes. यहाँ पे अगला जो आएगा ना, यहाँ पे इतना सेम रहेगा, ये चेंज होगा खाली. When two singular nouns are joined by and rule number 25 but are preceded by each yeah every, then it takes singular singular verb, then it takes singular verb. ये रख कर दो नीचे का. यस सर. यस सर. जो नए लोग हैं उन लोगों को भी समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रहा हूं मैं? यस यस आ रहा है. ओके. तो व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, ये रूल है, जब दो सिंगुलर नाउन को एंड से जॉइन करते हैं तो उसमें क्या आता है, नॉर्मली प्लूरल वर्ब लगता है. बट अगर ये एंड के साथ जॉइन करते हैं बट अ प्रीसीडेड बाय ईच एवरी लगा हुआ है उस नाउन के पहले,
देन इट टेक्स सिंगुलर वर्ब. ठीक है, जैसे मैं बोलू एग्जाम्पल के लिए एवरी बॉय एंड गर्ल, एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज या वर रेडी. हर एक लड़का और लड़की जो तैयार थे या था, कैसा बोलोगे? वॉज रेडी. वॉज रेडी. वॉज सिंगुलर हो जाता है, बस यहाँ पर रेडी वो आएगा. मतलब हर एक लड़का और हर एक लड़की, एवरी बॉय एंड गर्ल का मतलब क्या होता है? एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल. तो वॉज रेडी या वर रेडी? वर रेडी. बस यही का ध्यान रखना, वॉज रेडी. तो पढ़ाता रहा हूं मैं. When two singular nouns are joined by and, दो सिंगुलर नाउन्स है, दोनों को जो बॉयज नहीं है, गर्ल्स नहीं है, बॉय एंड गर्ल है, उनको एंड से जोड़ा गया है. बट आर प्रीसीडेड बाय, प्रीसीडेड बाय मतलब उनके पहले लगा हुआ है, ईच या एवरी लगा है, ईच या एवरी लगा हुआ है यहाँ पे. ईच बॉय एंड गर्ल बोलूँ या एवरी, मतलब एवरी बोलूँ या ईच बोल लूँ, ईच बॉय एंड गर्ल, तो भी क्या होता है टेक्स सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब लगता है, वॉज आएगा. समझा कि नहीं समझा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? ओके सर. समझा आपको रूल? क्योंकि बहुत लोग गलत कर जाते हैं सब्जेक्ट में, एग्रीमेंट क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत लोग गलत कर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है हर एक लड़का है, हर एक लड़की है. तो चलो मैं बोल भी दें कि हर एक लड़का है, एवरी बॉय. तो एवरी बॉय इज रिस्पॉन्सिबल, जैसे मतलब बोलो ना, जैसे एवरीथिंग नथिंग इज पॉसिबल या नथिंग आर पॉसिबल. बहुत सिंगल लगाते हैं, ठीक है, नथिंग के साथ लगाते हैं. एवरीथिंग इज possible if you are determined. Everything is possible, everything are possible. Everyone is going there, everyone are going there. Everyone are नहीं बेटा, is ये pronoun में पढ़ाया था, everyone is. अच्छा मैं बताऊँ, someone is calling you. कितने लोग बात, कितने लोग कॉल कर रहे हैं आपको? दो से ज़्यादा. कोई एक ही कर रहा है जो अनसर्टेन, जो पता नहीं किसके बारे में कौन है. Someone is calling you. Someone are calling you बोल सकते हो क्या? Someone is knocking at the door. So someone is knocking at the door होगा या someone मतलब होता है कुछ लोग होंगे. Someone मतलब कोई एक जो पता नहीं है या someone मतलब कुछ एक लोग. कोई एक जो पता नहीं है. Someone is knocking at the door. मतलब कोई तो एक knock कर रहा है. कितने लोग होंगे? यदि आपके मोबाइल पर रिंग बज रहा है, मुझे नहीं पता कौन है, मैं क्या बोलूंगा? Someone is calling you. Someone is calling you बोलूंगा या someone are calling you बोलूंगा? Someone is. अभी समझा आपको? तो ईच एवरी समवन एनीवन नो वन इन सब के साथ हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाते हैं. बट यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि हमेशा, चलो ठीक है, एवरी बॉय इज बोल सकता हूँ, एवरी बॉय वॉज बोल सकता हूँ, बट यहाँ पे बॉय एंड गर्ल ये दोनों कंबाइंड हो नहीं सकता, ये दोनों अलग अलग मतलब आइडेंटिटी है, तो फिर क्यों वॉज आएगा? फिर तो वर आना चाहिए ना. बट यहाँ सेंस क्या होता है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल या ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो फिर इंडिविजुअली एक एक की बात कर रहे हैं कि हर लड़का या हर लड़की तैयार थे. हम लोग इज्जत के लिए थे बोल रहे थे, गांधी जी मतलब एक महान आदमी थे, लेकिन होना क्या चाहिए ग्रामेटिकली? गांधी जी का महान आदमी था, जो सिंगुलर है. तो रिस्पेक्ट देने के लिए बोलता हूँ, हम लोग हिंदी गलत बोलते हैं, अदरवाइज ऐसा होना चाहिए एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी. कोई डाउट इसमें? नो सर. नहीं, एवरी बॉय होता अगर एंड गर्ल हटा दो एवरी बॉय तो भी वॉज रेडी. अगर बॉय हटा दो एवरी गर्ल इज रेडी, ईच बॉय इज रेडी, ईच गर्ल इज रेडी, वॉज रेडी, मतलब जो भी है सिंगुलर ही आएगा. And sir, अगर ऐसा होता एवरी बॉयज एंड गर्ल्स, तो फिर वर आता है. यहाँ पे सिंगुलर नाउन सिंगुलर नाउन होना चाहिए, यदि प्लूरल हो गया फिर तो बात ही खत्म हो जाती है. ओके सर. इज पेन एंड पेंसिल, यहाँ क्या आएगा? इज या आर रेड? अभी समझ में आया? ईच पेन एंड पेंसिल जब एंड से जुड़े हुए हो, दोनों सिंगुलर नाउन हो और प्रीसीडेड बाय ईच एंड एवरी हो, मतलब आगे ईच या एवरी लगा हो, तो सिंगुलर वर्ब होता है. कोई डाउट इसमें? नो सर. ओके, रफ कर दो. यस सर. लिख लो लिख लो, क्यों बाकी रह गए लिख लो लिख लो, बताओ मुझे फिर.
डन सर हो गया और रूल नंबर 26 सर ईच ऑफ द लगा तो ईच ऑफ द लगा तो प्लूरल आएगा ओके नहीं नाउन प्लूरल आएगा वर्ब तो सिंगुलर रहेगा ना मैम नाउन सिंगुलर आएगा ना जैसे मैं बोलूं कि ईच ऑफ द बॉयज फिर क्या आएगा यहाँ पे इज या आर ईच ऑफ द बॉयज इज या आर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन आप बताओ क्या आएगा तो आएगा अगर अकेला ईच आता है तो फिर क्या होता है फिर अगर ईच ऑफ द आ गया ईच ऑफ द आ गया तो यहाँ पे सिंगुलर नहीं होगा क्या आएगा प्लूरल आएगा वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा ये नहीं आएगा ओके समझे आपको ईच ऑफ द बॉयज मतलब ईच के बाद भी ईच ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब होता है और ईच के साथ प्लूरल सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब होता है समझा कि नहीं समझा आपको यस सर कि ऑफ द लग गया मतलब क्या होता है प्लूरल नाउन आएगा यहाँ ऑफ द नहीं है तो फिर सिंगुलर नाउन आएगा जैसे क्या जैसे ईच बॉय डिजर्व्स या डिजर्व आप बताओ डिजर्व्स फर्स्ट वाला डिजर्व्स क्योंकि एस क्यों लगा क्योंकि सिंगुलर है अब प्लूरल में होता है डिजर्व जो वही होता है ना कम और कम्स ईच बॉय डिजर्व्स हिज या हर वैल्यू सॉरी हिज वैल्यू समझ आया आपको यस सर और ईच ऑफ द होगा तो प्लूरल नाउन प्लस बट वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा Yes, sir. और कोई डाउट किसी को इसमें कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना ईच इधर नीदर है ना एवरीवन एनीवन नो वन ये जितने भी आते हैं हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है किसी भी कंडीशन में बट नाउन प्लूरल है सिंगुलर हो सकता है अगर ऑफ द लगा है तो प्लूरल नाउन आएगा ऑफ द नहीं लगा तो वो भी सिंगुलर हो जाता है नंबर क्या है 26 राइट इफ ऑल इज यूज्ड ऑल इज यूज्ड In the sense of everything, if all is used in the sense of everything, इसका मतलब क्या हुआ यदि all को use करते हैं किस sense में everything के sense में सब कुछ all मतलब सब कुछ अगर इसके sense में use करते हैं then it functions as a singular subject. Then it functions as a singular subject. तो कैसा बिहेव करता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यदि ऑल को एवरीथिंग के सेंस में यूज करते हैं then it functions as a singular subject. So we use singular verb with it. तो हम लोग क्या लगाते हैं उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं ठीक है जैसे एग्जांपल देखें आप इसका बताओ एग्जांपल बताओ ऑल को कहाँ देखा आपने ऑल इज यूज्ड इन सेंस ऑफ एवरीथिंग एवरीथिंग के सेंस में यूज करना मतलब सब कुछ अगर बोलता हूँ हाँ सब सही चल रहा है बढ़िया चल रहा है कौन से क्या बोलते हैं कौन सी पिक्चर देखी थी आमिर खान की ऑल इज वेल ऑल इज वेल या ऑल आर वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल All is well का मतलब क्या हुआ यहाँ पे All का sense क्या है Everything is well. Everything is well. यही मतलब हुआ ना इसका All is well का मतलब क्या हुआ Everything is well. सही बोल रहा हूँ Yes, sir. अगर मैं बोलता हूँ कि All is चलो ये ले लेता हूँ एक example एक भी ले लेता हूँ All is ready. इसका मतलब क्या हुआ Everything is ready. All is ready. मतलब सब कुछ तैयार है मतलब everything is ready. यही मतलब हुआ ना तो ये कहना चाहते हैं यदि all को हमने किस sense में use किया है everything के sense में use किया है then उसके बाद हम लोग क्या लगते हैं singular subject की तरह use करते हैं then it is called इसके बाद हम क्या लगते हैं singular verb लगाते हैं देखो is जैसे अगर बोलूँ कि
All come late. They all comes late. Come. नहीं, everyone comes late. और कोई all का sense यहाँ पे क्या जाएगा? Everything ये क्या जाएगा? Everyone. Everyone comes late. Everyone के साथ क्या लगता है? Everyone के साथ क्या लगता है? Everyone मतलब होता क्या है? हर एक sense क्या होता है? One जाता हो तो क्या होता है? एक. Everyone. हर एक. तो एक-एक की बात करते हैं. Everyone. जैसे बोलूँ मैं कि everyone is going there या everyone are going there. Everyone is going there. So, man, everything is fair in love and war. Everything are fair in love and war. Everything is fair. ये वाला तो याद है. ये पता है मुझे. ये याद है. Everything is fair in love and war. ठीक है ना? ये रटा हुआ है. तो everything के साथ क्या लगता है? Is लगता है. तो everyone के साथ भी क्या लगेगा? Singular लगेगा ना? तो comes singular होता है या comes singular होता है? Singular क्या है इन दोनों verb में? Comes. ये singular होता है. इसमें s और es लग जाता है वो singular होता है verb में. मैं बताया ना, और नाउन में ऐसा ये सब तो प्लूरल हो जाता है. जैसे पेन का पेंस हो जाए तो अब यहाँ पे एस लग गया तो ये प्लूरल हो गया. उल्टा होता है क्योंकि नाउन है, समान है. बट ये जो आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, मारना पीटना, रोना धोना, हंसना बोलना, खेलना कूदना, गाना बजाना, जिसमें नाना जी आते हैं, ये वर्ब होते हैं. और वर्ब में एस लगा दो तो सिंगुलर हो जाता है. और नाउन में होता है मतलब जैसे बोलो अनाज, पानी, टेबल, कुर्सी, चेयर, पेन, पेंसिल, जो भी आप सामान बोलोगे उसमें एस लगा दो तो प्लूरल हो जाता है. उल्टा होता है वर्ब और नाउन का. समझ में आया आपको? समझा आपको ये चीज? ऑल कम्स लेट होगा मतलब हर कोई लेट आता है. देखिए की बात करें, ऑल कम्स लेट, सब लेट आते हैं. क्लियर है? ये समझ में आया आपको? यस सर. यस सर. ठीक. लेकिन अब बताओ, आपने बोला ऑल कंप्लीट होगा. अब डी एक और देता हूं आपको, इसमें बताना मुझे क्या आएगा. यही सेंस ले रहा हूं मैं ऑल. अब मुझे बताओ इज या आर वेल, और ई ले रहा हूं मैं ऑल. डी ये ले जाता इज या आर रेडी. बट मैं जो यहां पे सेंस ले रहा हूं सी डी ई में, वो क्या सेंस ले रहा हूं? ऑल का सेंस क्या है यहाँ पे? क्या सेंस में यूज कर रहा हूं? एवरीथिंग. नहीं, यदि मुझे सेंस में ले रहा हूं तो डिनोट द नंबर ऑफ पर्सन. या ऑल जो सोल्व कर रहा है नंबर ऑफ पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग. तो अगर ऑल जो है नंबर ऑफ पर्सन शो कर रहा है तो कम या कम्स. अभी आपने बोला ना, मैंने समझा दिया, आपको समझ में आया. लेकिन अभी मुझे बताओ ऑल यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तीनों जगह यदि पर्सन को डिनोट करते हैं. अगर मैं बोलूँ कि ऑल इज वेल मतलब एवरीथिंग इज वेल, अगर एवरीथिंग के सेंस में आता तो सिंगुलर वर्ब. लेकिन ऑल अगर पर्सन के सेंस में यूज करते हैं कि ऑल आर वेल या ऑल इज वेल, मतलब मैं कहना चाहता हूं कि ऑल का सेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल पीपल, ऑल पीपल, ऑल पीपल. तो पीपल के साथ क्या रहेगा? आर. तो यहाँ क्या आएगा? ऑल कम लेट, ऑल आर वेल, ऑल आर रेडी. इसका मतलब क्या रहेगा यहाँ पे? ऑल कम्स लेट मतलब हर व्यक्ति लेट आता है. तो हर व्यक्ति की जब बात करेंगे तो क्या होगा? ऑल कम लेट, सारे लोगों की बात कर रहे हैं, मतलब प्लूरल. ऑल आर वेल, सारे लोग ठीक है. घर में कैसे हैं सब लोग? ऑल आर वेल. तो हम एक की बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं? सबकी. सबकी. तो ऑल आर वेल. ऑल आर रेडी मतलब कोई एक तैयार हुआ है, सारे लोग तैयार हुए हैं? सारे. सारे लोग तैयार हुए. तो जब ऑल लोगों के सेंस में यूज करेंगे हम, ऑल मतलब ऑल का मतलब ऑल पीपल होगा. ऑल का मतलब जब एवरीथिंग होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा. दिख रहा है आपको?
लेकिन ऑल द पीपल के सेंस में होगा तो प्लूरल वर्ब होगा, ध्यान रखना, गलती मत कर देना कम स्टार पे, इसलिए मैं देखा जाए समझा के देखो या उल्टा पुल्टा समझ में आता है कि नहीं आता है। अभी समझ में आया आपको क्या सेंस है दोनों में डिफरेंस? ऑल जब हम लोग एवरीथिंग के सेंस में यूज करते हैं तो सिंगुलर वर्ब होता है, ऑल को जब हम पीपल के सेंस में यूज करते हैं तो प्लूरल वर्ब होता है, सब जगह दिमाग मत चलाना वहां पे फिर अलग से, समझ में आया कि नहीं आया? लिख लो, लिख लिया आपने, रब करो yes. चलो इसी में थोड़ा सा एक पार्ट और रह गया है, ऑल ऑफ अगर लिखा हो तो, ऑल ऑल ऑफ ऐसा लिखा हो तो, यदि लिखा हो, चलो ये ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, चलो सी पार्ट मान लो, अगर मैं ऐसा बोलूं इफ ऑल या ऑल ऑफ या नॉट ऑल ऑफ ऐसा लगा दूं प्लस, फिर यहाँ पे हमेशा क्या होता है, अगर मैं प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा दूं, प्लूरल काउंटेबल नाउन मतलब कि ऐसा नाउन जो गिन सकता हो, प्लूरल हो, बहुवचन हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन मतलब क्या होता है, जो काउंटिंग कर सकते हम लोग, ठीक है, यदि ऐसा लगाओ ऑल या ऑल ऑफ लगाए या नॉट ऑल ऑफ लगाए प्लस साथ में, प्लस साथ में क्या लगा हुआ है, प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा हुआ है, ठीक है, इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, देन इट देन इट क्या बोल सकते हैं, इफ ऑल या ऑल ऑफ या नॉट ऑल ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन है इज यूज एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस देन इट फंक्शंस, देन इट फंक्शंस एज द एज अ प्लूरल सब्जेक्ट, function as a plural subject, so it takes plural verb. यदि all या all of या not all of लगा है और उसके आगे plural countable noun लगा है, जैसे example देखें, let's suppose all of the students, all of the students होगा student होगा student होगा तो क्या होगा, स्टूडेंट होगा, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स होगा या स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ही होता है हमेशा, मैम ऐसा लगता ही है, मैं आपको पहले बोल चुका ऑफ, ऑफ लगा हो तो ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल ही आएगा, ठीक है, जैसे एवरी वन ऑफ जो भी ऑफ लग गया आगे प्लूरल ही आएगा, उसमें से एक तो ज्यादा में से एक लोग है ना, तो ऑल ऑफ द स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट में से ऑल कैसे निकालोगे, ऑल ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स में से एक ऐसा भी, तो ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, और जैसे भी कहा है ना, या ऑल या ऑल ऑफ या नॉट ऑल ऑफ के बाद क्या लगना है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल मतलब जो गिन सकते हैं स्टूडेंट, गिन सकते हो ना, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है स्टूडेंट, काउंटेबल है, और स्टूडेंट क्या है, प्लूरल है सिंगुलर है स्टूडेंट्स, प्लूरल, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन ऐसा लिखा हुआ, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है, इसका वर्ब क्या लगेगा सर, सो इट टेक्स प्लूरल वर्ब, तो ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या आएगा, वॉज या वर बताओ क्या आएगा, आगे कुछ भी लगा दो, सपोज लेट, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वाज लेट या वर लेट, वर लेट, वर लेट, क्योंकि प्लूरल वर्ब आएगा, समझा आपको, इसी टाइप से अगर बोलूं कि नॉट ऑल ऑफ द बॉयज, अब यहां देखो नॉट लगा, नॉट ऑल ऑफ द, नॉट ऑल ऑफ ये लिखा है, नॉट ऑल ऑफ यहां पे हो गया नॉट ऑल ऑफ, अब यहाँ पे बॉयज क्या है, अगेन प्लूरल है, कि बॉयज लगा हुआ, बॉय नहीं, बॉय सिंगुलर होता है, बॉयज प्लूरल होता है, और ये बॉयज क्या गिन सकते हो नहीं गिन सकते हो, गिन सकते हो, क्या है, काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो ऑल ऑफ द बॉयज अब मुझे बताओ क्या आएगा, इज या आर
मिसबिहेविंग आर आर क्या आएगा ऑल ऑफ द बॉयज आर मिसबिहेविंग इज नहीं आएगा समझा कि नहीं समझा आपको ये रूल यस सर ये लिख लो पहले लिख लिया आपने यस सर डन नो सर लिख लो आराम से लिख लो ये वैसे भी इसके बाद जो लास्ट मतलब है आपका कितना था ये कौन सा नंबर था 26 27 क्या था 26 था ना नाउ 27 इज द लास्ट वन वो पढ़ते हैं फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप नीचे का लिख लो ऊपर का रफ कर लेता हूं मैं हो गया लिख लिया आपने यस सर नाउ द लास्ट वन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लास्ट पार्ट है वैसे तो और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं बट बहुत ज्यादा एग्जाम पूछे नहीं जाते हैं रूल नंबर 27 ये कहता है generally when a sentence starts with abhi adverb padhaya nahi maine aapko with adverb lekin isko padhaya pehle thoda sa aapko background de dun taki aapko samajh mein aaye एडवर्ब होता क्या है एडवर्ब होता क्या है पहले बताओ मुझे इसका मतलब होता है एडजेक्टिव प्लस वर्ब एडजेक्टिव होता है विशेषण और वर्ब होता है क्रिया और इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण हिंदी में समझा आपको ये वर्ब होता है जो कोई काम करते हम लोग दैट इज कॉल्ड वर्ब एडजेक्टिव जो क्वालिटी होती है उसे बोलते हैं एडजेक्टिव तो इसे बोलते हैं हिंदी बोलते हैं इसको विशेषण जिसमें विशेषता बताई जाती है और ये होता है वर्ब क्रिया मतलब जो काम करते हैं और दोनों मिला के हिंदी में बनता है क्या बन जाता है क्रिया विशेषण मिला के ठीक है क्रिया विशेषण मतलब क्या होता है मतलब ऐसी क्रिया जिससे कोई विशेषता मालूम पड़ती है किसी चीज की दैट इज कॉल्ड एडवर्ब अब देखो बताता हूँ आपको इसमें एडवर्ब में नॉर्मली जो वर्ड्स होते हैं एक इसका टैगलाइन है अगर एडवर्ब है कैसे पहचानो एडवर्ब है कि नहीं लास्ट में एलवाई लगा हो तो 99.99% चांस है कि वर्ड क्या होगा आपका क्या होगा वो एडवर्ब होगा ठीक है 99.99 चांस है जैसे मैं बोलूं कि स्विफ्टली एब्रप्टली एक्सीडेंटली स्ट्रांगली इजीली सडनली और बताओ जहां पे एलवाई लगता हो स्लोली ट्रूली इवेंचुअली फास्टली ट्रूली रूडली रूडली रेयरली हार्डली सेल्डमली एक्चुअली भी होगा क्या एक्चुअली ठीक है तो आपने देखा 99.9 जितने वर्ड बोल रहे हो सारे वर्ड्स आपको एडवर्ब आ रहे हैं हाँ अब एक आध वर्ड एक्सेप्शन जो बताया मैंने आपको 0.11 जो छोड़ा मैंने 0.11 जैसे हो गया डॉली ट्रॉली अब ये दिख रहे हैं एलवाई है बट आपको पता ये क्या है समान है ये नाम है ये नाउन है ये भी नाउन है आपको पता है ना
ट्रॉली क्या नाउन आएगा, तो एलवाई लगा फिर भी नाउन है, तो ये 0.001% मार्क है। बाकी 99% जितने वर्ड बोलोगे कोई भी, वो सब आपके क्या है, एडवर्ब है। सर दो ही एक्सेप्शन है? नहीं दो ही नहीं बोल सकता, और मतलब अभी दो अभी दिमाग में आ गया, अभी थोड़ी देर और मेहनत करेंगे तो पूरा बोर्ड भर दूंगा मैं तो। लेकिन 99.99% का मतलब होता है कि अगर ये पूरा बोर्ड भरने में अगर एल वाई लग के जो एडवर्ब नहीं आ रहा है तो पूरी क्लास भर जाएगी एल वाई वाले वर्ड से जो एडवर्ब होते हैं, इससे अंदर लगा दो ठीक है। एक्सेप्शन बहुत कम है एल वाई लगा के। अभी समझ में आया थोड़ा सा एडवर्ब क्या होता है? दूसरी बात ये आपको बता दें, एडवर्ब एडवर्ब जो होता है ये नाम से लग रहा है, एडजेक्टिव वर्ब या एडवर्ब ठीक है। तब ध्यान रखना आप एडजेक्टिव के पहले या बाद में, वर्ब के पहले या बाद में, और एडवर्ब के बाद पहले मतलब एडवर्ब कहाँ लगता है, इसकी पोजीशन क्या होती है, या तो एडजेक्टिव के पहले लगता है या एडजेक्टिव के बाद में लगता है। जैसे ही इज स्मार्ट इनफ, तो इनफ क्या है, इनफ क्या है, ये भी एडवर्ब है ठीक है। और ही रन्स फास्ट, तो रन्स अब वर्ब हो गया, ही रन्स फास्ट, फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब है ठीक है। और एडवर्ब एडवर्ब दोनों दो, अच्छा नॉर्मली क्या होता है दो पार्ट्स में स्पीच एक साथ नहीं रहते कभी भी हम लोग ठीक है, कुछ ना कुछ कनेक्शन या कुछ जोड़ना पड़ता है। बट एडवर्ब ऐसा है जो दो एडवर्ब एक साथ आते हैं, जैसे बोलेंगे बताओ दो एडवर्ब एक साथ आते हैं, जैसे बोलूं वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, तो वेरी भी एडवर्ब है, फास्ट भी एडवर्ब है। सो वेल, ही सैंग सो वेल, वो इतना अच्छे से गाया, सो वेल, दोनों एडवर्ब है एक साथ लगा, तो एडवर्ब एडवर्ब के आसपास मतलब दो एडवर्ब एक साथ लगाया जा सकता है ठीक है। ये सारा मैंने बताया टेक्निकल तरीके से, अब हिंदी वाले गांव वाले तरीके समझ लो एडवर्ब क्या होता है। कोई भी काम करने का तरीका जो होता है वो एडवर्ब होता है। क्या बोलता है एडवर्ब? काम करने का तरीका। कैसे कर सकते हो काम? बड़े आसानी से, अचानक से, है ना, सडनली, अब्रप्टली, जितने बोल रहे क्या हो रहा है, काम करने का तरीका। तो दौड़ता तो नहीं, कैसे दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज और बहुत ये क्या बता रहा है, तरीका बता रहा है करने का, आ रहा समझ में? तो काम करने का तरीके को भी क्या बोलते हैं हम लोग, एडवर्ब। समझ में आएगी नहीं आया? एडवर्ब क्या होता है? काम करने का तरीका, क्योंकि वर्ब है ना, उसी क्वालिटी बता रहा है कैसे काम किया, काम तो किया, वर्ब क्या होता है, काम करना, कोई काम को वर्ब बोलते हैं ना। वर्ब क्या होता है नॉर्मली, कोई भी काम, जैसे आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, मारना पीटना, जिसमें नाना जी आते सारे आपके वर्ब हैं। अब वो कैसे किया, आया तो, लेकिन कैसे आया, तेजी से आया, उड़ते उड़ते आया, गिरते पड़ते आया, जैसे भी करके आया, मतलब जो भी करने का तरीका था, करने का जो काम करने का जो तरीका था, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। यस सर। चलो एक बेसिक बैकग्राउंड दे दिया मैंने एडवर्ब क्या होता है। अभी हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको ये चीज, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग वैसे भी लेने वाले हैं एडवर्ब। तो जनरली व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद एडवर्ब लाइक, ऐसे एडवर्ब शुरू होता है लाइक, जैसे कि बोलूं हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, सेल्डम भी नहीं हो तो ध्यान रखना, सेल्डम, नेवर, आउटसाइड, बिफोर एक्सेट्रा, देन वर्ब इज प्लेस्ड बिफोर the subject, then the verb is placed before the subject and the verb is determined
एज पर द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है वर्ब। अब इसका मतलब क्या होता है, एक सिंपल सा बात बोलूं, ये सब सारे वर्ड जो कहानियां लिखी मैंने, इन सबका एक सिंपल सा फॉर्मूला अगर मैं आपको एडवा पढ़ा तो मैं शायद ये बताता भी नहीं, उसको वर्ड को बोलते हम लोग इन्वर्जन। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इन्वर्जन। इन्वर्जन नाम से लग रहा है, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, इन्वर्ट करना। इन्वर्ट मतलब क्या होता है, इन्वर्ट करना क्या होता है, INVERT, इन्वर्ट करना क्या होता है, उल्टा। जैसे इन्वर्टर होता है ना, क्या करता है, आपने देखा इन्वर्टर जब चालू करते हैं तो हम लोग नॉर्मली स्विच नीचे करते हैं, इन्वर्टर में क्या होता है ऊपर करते हैं, क्यों। इन्वर्ट करना मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, मतलब करंट वो क्या होता है, उस समय करंट चार्ज हो रहा होता है जब चालू करते हो आप, और जब बंद हो जाता है तो चालू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टर, इन्वर्ट हो जाता है उसमें। तो इन्वर्ट मतलब होता है उल्टा करना, तो इन्वर्जन कहलाता है ये उल्टा। नॉर्मल हमारा जो सेंटेंस होता है, ये बता रहा हूँ आपको, जनरली मैंने सेंटेंस स्टार्ट विद, जब सेंटेंस आपको स्टार्ट होता है जैसे कि हार्डली, स्कैसली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, आउटसाइड, बिफोर एक्सेट्रा, अगर इन वर्ड शुरू होता है, ये सारे वर्ड्स कौन से हैं, एडवर्ब वाले। कौन से वर्ड्स हैं सारे, ऐसा नहीं सारे में एलवाई आता है, एलवाई वाले एडवर्ब है, बट सारे में एलवाई नहीं आता, यहाँ भी एलवाई नहीं है, 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 ठीक है। तो सब में एलवाई नहीं आना जरूरी नहीं है, लेकिन एलवाई वाले हैं तो फिर 99% एडवर्ब, लेकिन ये सारे वर्ड्स क्या है, एडवर्ब। और इन्वर्जन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मल सेंटेंस कैसा होता है, एक इंग्लिश का सेंटेंस कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है एक नॉर्मल इंग्लिश सेंटेंस। कभी भी एक इंग्लिश सेंटेंस बनाया जाता है तो पहले क्या लगाया जाता है, पहले क्या लगाते हैं हम लोग, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाते हैं हम लोग, वर्ब, उसके बाद क्या लगाते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट। ये बनता हमारा इंग्लिश का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर विद अ पर्टिकुलर सेंस, ठीक है। लेकिन यदि सब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है, ये एक्सेट्रा, जनरली व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद एडवर्ब, स्टार्ट विद एडवर्ब मतलब क्या हुआ, नॉर्मली हमारा सेंटेंस किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है, बट यदि मैं सेंटेंस एडवर्ब से शुरू करता हूँ, जैसे लिखता हूँ हार्डली, हार्डली शुरू करता हूँ मैं सेंटेंस, तो इसमें अगर एडवर्ब से शुरू होता है तो कहानी ये हो जाती है, यदि कहानी एडवर्ब से शुरू होती है तो एडवर्ब प्लस, तो फिर उल्टा हो जाता है, सब्जेक्ट का वर्ब नहीं आता, वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, एडवर्ब प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा हो जाता है, समझे आपको, उल्टा हो गया। नॉर्मली वर्ब जो सब्जेक्ट के बाद आता था, अभी सब्जेक्ट के पहले आने लगा है, समझा कि नहीं समझा आपको। Yes, sir. ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि he had left for office, वो ऑफिस के लिए निकल गया, नॉर्मल सेंटेंस हो गया, he हो गया सब्जेक्ट, had हो गया वर्ब, left भी हो गया आपका मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया छोड़ना, ठीक है, he had left for office। अब यहां पे अगर मैंने लगा दिया hardly, जैसे यहाँ लगा हुआ है हार्डली, अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब ये हैड आगे आ जाएगा, हार्डली हैड, और फिर ये ही, और फिर उसके बाद फिर लेफ्ट फॉर द ऑफिस, हार्डली हैड लेफ्ट फॉर द ऑफिस, अभी ऑफिस जब निकला था, देन हार्डली हैड लेफ्ट फॉर द ऑफिस व्हेन ही मेट एन एक्सीडेंट, मतलब हार्डली हैड ही लेफ्ट फॉर द ऑफिस, ऑफिस के लिए निकला ही था व्हेन ही मेट एन एक्सीडेंट, जब उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हार्डली से सेंटेंस शुरू हुआ तो क्या हुआ, ही हैड नहीं आया, क्या आया, क्या हैड ही हो गया, जबकि अगर हार्डली के बिना अगर हैड ही लगाओ तो क्वेश्चन बन जाता है, हैड ही लेफ्ट फॉर द ऑफिस, ऑफिस के लिए निकला क्या, क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं बनता, हार्डली लगा दिया तो आपने क्या आएगा, हार्डली हैड ही लेफ्ट। अब यहाँ हुआ क्या, नॉर्मली सब्जेक्ट के पहले वर्ब आना चाहिए था, ठीक है, बट यहाँ क्या हुआ, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आया, लाइक कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब आया, तो जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों होता है तो दो कंडीशन होता है, या तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है मेन वर्ब बाद में आता है, या फिर क्या होता है खाली मेन वर्ब है तो मेन वर्ब पहले आएगा, यदि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों भी पहले आ सकते हैं, तो इससे तीन स्टेजेस होते हैं इन्वर्जन के, वो डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इन्वर्जन में, थोड़ा बहुत समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये लिखना नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ समझाने के लिए था, इसको डिटेल में हम लोग इन्वर्जन जो है डिटेल में हम लोग पढ़ते ही हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके एडवर्ब से, एडवर्ब में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है इन्वर्जन, तो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, बट अभी आपको समझ में आया क्या बताना चाह रहा था मैं,
कि अगर इनसे सेंटेंस शुरू होता है तो क्या होता है, वर्ब पहले आता है, देन सब्जेक्ट आता है, देन मेन वर्ब आता है, देन आपका ऑब्जेक्ट आता है। तीन कंडीशन होता है हम लोग के, क्या बोलते हैं, मैंने आपको बोला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब वर्ब में क्या हो जाता है, नॉर्मली हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, बट ये भी तो देखा ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी तो हो सकता है ना, अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हो तो। ये दो स्ट्रक्चर नॉर्मल स्ट्रक्चर हमारे नॉर्मल ग्रामर के हिसाब से, कि सब्जेक्ट में वर्ब होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन वर्ब में भी अगर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब लगा सकता हूँ, मेन वर्ब लगा सकता हूँ, दोनों लगा सकता हूँ मैं ना। और तीसरा क्या हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस, मैं आपको एक और चीज बताऊँ तो ऐसा बना सकते हो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीन कंडीशन ही हो सकता है ना। मैंने वर्ब का जनरल एक जनरलाइज स्टेटमेंट बोलूँ तो बोलूँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बट वर्ब के हिसाब से खाली हेल्पिंग वर्ब लगा के भी सेंटेंस बनता है, जैसे ही इज देयर, ये वहां पे है, तो आपने ही के साथ क्या लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब इज, वहां देयर लगा दिया ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या लगा दिया, ही इज हेल्पिंग मी। अब यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, सब्जेक्ट हो गया ही, वर्ब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया इज, मेन वर्ब क्या हो गया, हेल्पिंग, हो गया ऑब्जेक्ट मी, और या फिर होता है ही कम्स लेट, वो लेट आता है, दो ही लगा दिए सब्जेक्ट, कम्स क्या हो गया, मेन वर्ब, सर एक ही हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ मेन वर्ब है। आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज क्या बताया मैंने आपको, समझ में आया कि नहीं आया? ये इसका एग्जाम्पल यहाँ पे, इसके एग्जाम्पल यहाँ पे, इसके मतलब तीन स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब इन जनरल अगर बात करो तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, बट वर्ब की वजह से तीन स्ट्रक्चर बनेगा, या तो खाली हेल्पिंग वर्ब लग के बन जाएगा, या खाली मेन वर्ब लग के बन जाएगा सेंटेंस, या हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों लग के बन जाएगा। तो जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लग के बना है वहां तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के, जब एडवर्ब शुरू होगा तो, मेन वर्ब लगा तो मेन वर्ब भी आगे आ जाएगा, बट अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों लगा है तो सब्जेक्ट इन दोनों के बीच में आता है, मतलब हार्डली आवाज हार्डली हैड, फिर ये लेफ्ट ही, और ही के बाद फिर लेफ्ट, मतलब हेल्पिंग और मेन वर्ब सब्जेक्ट के आगे पीछे हो जाता है। ये समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना, बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, तो भी चलेगा, वो पढ़ेंगे मन से, थोड़ा बहुत बेसिक समझ में आया क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? यस सर। बाकी लोगों की आवाज नहीं आ रही है, बाकी लोगों नहीं आया क्या? Yes, नहीं आया तो, नहीं आया तो पूछो ना। आया हाँ, तो थोड़ा हाँ ना कुछ करो, थोड़ा रिस्पॉन्स दो, लग रहा अभी भी सो रहे हो। चलो तो मैं ये बता रहा था, जनरली व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद एडवर्ब्स लाइक हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, आउटसाइड, बिफोर, एटसेट्रा, देन वर्ब इज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट। तो वर्ब को हम लोग सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, बता दिया मैंने आपको, एंड द वर्ब इज डिटरमाइंड एज पर द सब्जेक्ट, और वर्ब जो होगा वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। अभी आगे वाला सब्जेक्ट जो आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगा दो, आगे वाला सब्जेक्ट जो अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगा दो, तो सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, समझा आपको? सर सेल्डम का मतलब क्या? देखो नॉर्मली इसका 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 इन चारों का एक ही मतलब होता है, बहुत कम, नेग्लिजिबल, ना के बराबर। जैसे मैं बोलूं आई हार्डली गो टू हिज हाउस, बहुत कम उसे घर जाता हूँ, कम जाता हूँ तो क्या होता है, नहीं जाता हूँ। स्केर्सली हैड मनी टू गो देयर, उसका शायद कुछ पैसा है जाने के लिए, मतलब पैसा नहीं है उसके पास। आई रेयरली कॉल हिम, तो बहुत कम ही कॉल करता हूँ, मतलब ना के बराबर होता है। आई सेल्डम विजिट देयर, तो बहुत कम जाता हूँ वहाँ पे, सेल्डम विजिट देयर, विजिट देयर मतलब वहाँ जाता हूँ, आई सेल्डम विजिट देयर मतलब बहुत कम, ना के बराबर। तो हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम का लगभग मतलब एक ही होता है, क्या होता है, बहुत कम, ना के बराबर, नेग्लिजिबल। समझ में आया आपको? कोई डाउट इसमें? ओके, जैसे मैं बोलूं नेवर, अब सेंटेंस नेवर शुरू किया मैंने, डू या डज ही लिसन टू मी, क्या आएगा अगर नेवर शुरू किया तो, क्या आएगा, नेवर डू ही लिसन टू मी या नेवर डज ही लिसन टू मी? डज, डज। क्यों आएगा डज, क्यों डज आएगा, क्योंकि आगे वाला सब्जेक्ट है ही है, तो इसलिए सिंगुलर आएगा डज, तो ये आएगा, ये नहीं आएगा। समझा आपको? किस पर डिपेंड किया, ही पे, कि अगर नेवर लगा है तो इन्वर्जन लगेगा। देखो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आपको कैसा हो गया,
वर्ब जो है पहले आ गया सब्जेक्ट से, ही से पहले आया ना सब्जेक्ट से, नहीं तो ही डज लिसन टू मी होता ना, या ही डज नॉट लिसन टू मी, लेकिन ही के पहले आ गया नेवर से स्टार्ट हुआ। तो इसी तरह से बोलो नेवर डज डू या डज दे लिसन टू मी, क्या आएगा? डू डू। यहाँ पे डू क्यों आया, डज क्यों नहीं आया? क्योंकि दे लगा, दे क्या है? प्लूरल है। ये समझा कि नहीं समझा आपको? ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दिस वॉज ऑल अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया आपका पूरा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन पार्ट। तो क्वेश्चन पार्ट को मुझे लग रहा है मैं आपको पीडीएफ के थ्रू पढ़ाता हूँ, आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके थ्रू ज्यादा बेटर रहेगा, अच्छे समझ में आएगा आपको। ठीक है? यस सर। क्योंकि बोर्ड पे एक एक क्वेश्चन लिखना बहुत लंबा हो जाता है, 100 क्वेश्चन से टोटल होते, तो बेटर होगा हम लोग स्क्रीन शेयर करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयरिंग। सर अभी स्क्रीन शेयर हुआ नहीं है ना? नहीं अभी, नहीं नहीं अभी कर रहा हूँ मैं, दो मिनट। ग्रामर का पीडीएफ मिला होगा ना आपको?
नो अभी दिख रहा प्रॉपर आप लोगों को दिख रहा है क्या? यस सर। सो हियर वी स्टार्ट विथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबको दिख रहा है? यस सर। बताओ आप क्वेश्चंस आंसर्स बताते जाओ। इन द रूम देयर वाज चेयर्स टेबल्स एंड कपबोर्ड्स। आप ये मत जाना कब पूछा गया सर, ये तो पुराने पेपर है ऐसा है वैसा है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जो किसी भी पेपर में पूछा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए हमारे। तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस इसमें लिए 100 क्वेश्चंस लिए हैं उस पर सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा आपके एग्जाम में जो आप बोलोगे हाँ सब्जेक्ट वाइज एग्रीमेंट से आया था वो मुझसे नहीं बना। यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, दिख रहा सबको? यस सर। यस सर। क्या आएगा बताओ, पहले वाले में एरर क्या आएगा? सेकंड में क्या आएगा एरर? इन द रूम देयर वाज चेयर्स टेबल्स एंड कपबोर्ड्स। देयर वेर। देयर वर आएगा। देयर वर आएगा। क्यों आएगा वर? काउंटेबल है ना, चेयर टेबल। और नहीं, मैंने बताया था यदि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यदि इट है तो हमेशा सिंगुलर आएगा इट इज, बट अगर देयर है तो वो डिपेंड करता किस पे? आगे वाले पे। कि देयर, अगर मैं बोल दूं कि देयर इज होगा, देयर वाज होगा हमेशा? देयर वाज नहीं, देयर के बाद वर भी हो सकता है और देयर के बाद वॉच भी हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा? आगे वाले सब्जेक्ट पे। अगर मैं बोलूं कि देयर इज अ बॉय, गलत है क्या? नहीं, वो भी सही है। और देयर वर बॉयज, कुछ ऐसे लड़के थे, वो भी सही है, क्योंकि आगे बॉयज लगाए तो वर आ जाएगा, आगे बॉय लगाए तो इज आ जाएगा। इसी टाइप से आगे यहाँ लिखा चेयर टेबल्स एंड कपबोर्ड, तो प्लूरल है, पीछे क्या आ जाएगा? देयर के बाद वर।